गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का दिन चालू हो चुका है और वही सेम रूटीन फॉलो अप करना है। आज का जो काम रहता है वो उठ के दादी को रेडी करवा चुके हैं। दादी अभी फ़िलहाल बैठी हुई है, बाहर आराम से लेटा दिए हैं। अब जाके आपको दादी से भी मिलाएंगे और फिर जो काम है वो सब काम कंप्लीट करेंगे। और ऊपर का काम कंप्लीट हो गया, बस एक छोटा सा फॉल्ट रह गया जो ऊपर का लाइट का, थोड़ा एक काम करवाना है, टीवी यूनिट लगवाना है और अलमीरा वहाँ पे फिक्स करवाना है ऊपर के रूम में, और जो भी काम रहेगा और साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं फिर रूम को धुला के फिर हवन होने वाला है। तो यही है जो चीज़ सुबह का काम का रहता है, और कुछ ऑफिशियल काम वगैरह बाहर का जो रहेगा वो आप सबसे शेयर करेंगे, दिखाएंगे जो भी काम रहेगा। तो आइए चलिए चलते हैं दादी के पास में और मिलाते हैं आपको। जय श्री श्याम। ये अभी दादी के पास में पहुंच चुके हैं। दादी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादी भी गुड मॉर्निंग, रेडी नहला धुला के एकदम साफ सफाई करके अभी लेटी हुई है। थोड़ी देर के बाद में दादी को फिर अच्छा लगेगा। और आज तो एकदम धूप निकल रखा, तो ऊपर जाके साफ सफाई करना है। जो भी रूम में गद्दे वगैरह हैं सब गद्दे को धूप में डाल के उसको थोड़ा मॉइस्ट जैसे लग रहा है, वो सब चीज़ को साफ कर मतलब सुखा देंगे तो वो सब चीज़ भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा कुछ काम है वो सब निपटाएंगे साफ सफाई का। चल अभी हम ऊपर आ चुके हैं और अभी रूम को खोल के अंदर चलते हैं, देखते हैं रूम का हालत। तो हर रोज़ आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रखा है, पर आज शायद साफ हो सकता है। तो चलिए पहले जितने भी गद्दे हैं सब गद्दे को बाहर डालते हैं धूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अकेले कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में पापा जी भी आ जाएंगे, फिर मेरे साथ हेल्प करने लगेंगे। रूम का हालत देख सकते हैं, रूम एकदम से खाली कर दिया है, सब सामान बाहर, गद्दे सब बाहर सूख रहे हैं और बस अभी जितना भी गर्दा है ये सब साफ होगा। तो चलिए करते हैं। साफ हो चुका है, कुछ भी और नहीं है और सब सामान बाहर है जैसे मैंने बताया था। पर अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं, एकदम डस्ट से खुद ही मतलब चोक हो गए हैं। तो नहा धो के आएंगे, फिर पानी से फिर धोएंगे सब, और ये जितना भी गर्दा निकला है सब गर्दा को फेंकना है। इधर भी कुछ है जो चीज़ सामान रखना है, जो नहीं रखना है वो सबको बाहर लेके फेंकेंगे। गद्दा सब भी नीचे चले जाएगा, ऊपर का जो बेड था वो भी नीचे चले जाएगा, नीचे का बेड ऊपर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज जो भी काम होगा आप सबसे शेयर करेंगे। कल अभी दादी को नाश्ता किया जा रहा है। दादी नाश्ता कर रही है, तू क्या क्या खा रही है? खावा के खावा टोस्ट और टी। तो चलिए अभी खुद भी नहा धो लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे घर का मक्खन बन रहा है, मलाई का, जो दूध का, जो दूध आता है गाय का दूध हर रोज़, उससे मलाई निकाल के मम्मा रखती है, और यहाँ से आज मक्खन मिलेगा खाने को। वाओ, आज चावल में भी मक्खन, रोटी में भी मक्खन, और मक्खन का हर चीज़ मिलेगा आज, अच्छा लगेगा। चलिए, और पसीना सूख चुका है, अभी फ़िलहाल नहाने चलते हैं। और बाहर देखिए एकदम कचरा, देख सकते हैं यहाँ पे मक्खन निकल चुका है और छाँच भी तैयार हो चुका है। आज छाँच रोटी भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा। तो बस अभी पूजा करके आते हैं, फिर नाश्ता में आज छाँच रोटी मक्खन। तो फ़िलहाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी चलिए चलते हैं पूजा घर के और। तो चलिए, जय श्री श्याम, जय बागेश्वर बाबा, जय बालाजी, जय जय शिव पार्वती। जलाते हैं पहले, जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय बागेश्वर। बेटा भाई मेरा पैर दबा रहा है मस्त से, है ना? तेरा नाम क्या है बता दे। युवी, युवराज शर्मा की, विराज शर्मा, विराज शर्मा। देखिए बहुत दिनों बाद आया है तो बोल रहा है भैया पैर दबा देता हूँ। वाह, यही छोटा भाई का कर्तव्य रहता है। देखिए, पर ऐसा नहीं है, उसको भी हम भी ट्रीटमेंट देते हैं जब जो चाहिए, है ना बाबू? छोटू पैर दबा रहा था, अब दोनों के दोनों पैर मार रहे हैं। देखो भाई का, बड़े भैया का, दोनों छोटे छोटे भाई बहन पैर दबा रहे हैं या मार रहे हैं। अच्छी से मारोगे तो पार्टी मिलेगा। पे सीमू अभी रूम को साफ कर रही है, सब कोई काम कर रहे हैं अभी, अपना छोटा भाई वो भी कर रहा है, सब मिल बांट के सब काम कर रहे हैं। मैं और पापा सुबह काम कर रहे थे, अभी ये दोनों का बारी है थोड़ा बहुत साफ करके, है ना?
फिर इसको रेडी कराएंगे। लाइटिंग देख दिए हैं दोनों, लाइटिंग देखने के बाद में दोनों बहुत ही खुशी हो गया है ना, लाइटिंग मस्त हुआ है ना, ज़बरदस्त। धो के साफ कर दिए हैं, साफ करने के बाद में ऐसा दिख रहा है जैसे तो स्टार नीचे चमक रहे हैं टाइप, तो ऊपर का सब कलर नीचे। अब इसको पूरा साफ करवाना है मस्त से, पूरा घिस के लग रखे हैं। अभी छोटा भाई उधर, बहन सब कोई, मैं भी घिस रहा हूँ। अभी पानी फिलहाल भर रहे हैं, फिर नल बंद करके एक एक बाल्टी लेके धीरे धीरे घिसेंगे और सबको साफ करवाएंगे। फिर इसके ऊपर में कोटिंग होगा।